हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन करी एक नए तरीके से, बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा घर के ही इंग्रेडिएंट से और बहुत ही बेसिक तरीके से हम इस मटन करी को बनाएंगे, जो खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम ऐड करेंगे मटन। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 600 ग्राम मटन, उसको अच्छे से धोकर निथार लिया है और अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मैं इसे आधे घंटे के लिए रखूंगी। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऐड किया था क्योंकि मैंने इसमें ग्रेवी रखा है, इसके लिए नमक मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। उसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, आप इसकी जगह नॉर्मल मिर्च ऐड कर सकते हो। 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे। उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, साथ ही साथ ऐड कर लेंगे 1 चम्मच कुटा भुना ज़ीरा। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे हम गरम मसाला पाउडर, जो कि घर का बना हुआ है, बिल्कुल भी फ्रेश। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, जो कि बिल्कुल भी फ्रेश है। अब इसको मिक्स कर लेना है, हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और चम्मच से भी। तो चम्मच से मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए मैंने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स किया है। हाथों से क्या है, सारे मसाले अच्छे से लग जाते हैं, तो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आप इसको मैरिनेट करके 30 मिनट्स के लिए रख सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब हम प्रिपरेशन करेंगे मसाले की, ग्रेवी की। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिया है, इस तरह से बड़े बड़े कट कर लिए हैं। उसके बाद ऐड कर लेंगे हरी मिर्ची, इसको आप स्किप कर सकते हैं, और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, इसको पीस के हम साइड में रख लेंगे। एक दूसरा मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू ले लिया है, 5 छोटी इलायची, 6 से 7 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का ले लिया है और थोड़ा सा ले लिया है जावित्री, इसे पीस के साइड में रख लेना है। अब उसी वाटी में मैंने ऐड कर लिया है 2 प्याज, जिसे मैंने फ्राई कर लिया था, अच्छे से ब्राउन कर लिया था, इसको भी हमें पीस के साइड में रख लेना है। इसे हम डायरेक्टली कुकर में बनाएंगे, तो कुकर को गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 कप तेल। तेल मैंने वही यूज़ किया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तेल गर्म होने के बाद मैरिनेट किया हुआ सारा मटन हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इसका कलर है चेंज हो जाए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। मटन को हम इतना भून लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और जो मसाले हमारे हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए, मतलब इसमें कच्चापन ना रहे। तो ये देखिए, मैंने इसे भून लिया है, 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरीके से भून जाते हैं। उसके बाद जो हमने टमाटर और हरी मिर्च का प्यूरी बनाकर रखा था उसे ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे इसे और 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे इसे। उसके बाद ऐड कर लेंगे जो हमने काजू और छोटी इलायची, लौंग, जायफल और जावित्री का पेस्ट बनाकर रखा था, उसे भी हम ऐड कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से पीस लिया था। अब इसे मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट और हमें पकाना है। उसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ प्याज ऐड कर दिया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस ऐड कर लेना है, मिक्स कर लेना है और 1-2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेना है। तो देखिए, तेल वगैरह सेपरेट होने लगा है, मसाले हमारे अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पर मैं 2 ग्लास ऐड कर रही हूँ। आप ग्रेवी गाढ़ी खाना चाहते हैं तो फिर उसमें कम पानी ऐड करना, 1.5 ग्लास तक पानी ऐड करना, क्योंकि हमें इसे 15 मिनट के लिए कुक करना है। तो 1 सीटी मैंने हाई पे और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया है। तो अब चेक कर लेते हैं कि मटन हमारा गला है या नहीं। तो आज मैंने इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखी है और ये देखिए, हमारी तरी का जो रोगन है वो भी सरफेस पे आ गया है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लाजवाब। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो मटन है हमारा गला या नहीं।
तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मटन गल चुका है। तो आप चाहे तो पानी कम ऐड करिए और आपकी जो तरी है गाढ़ी बनाइए, लेकिन ये बिल्कुल भी परफेक्ट है मेरे लिए। तो अब मैंने इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दिखने में ही बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप इसे सर्व कर सकते हो गर्मा गर्म राइस, रोटी या नान के साथ। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी